स्टूडेंट, कल से आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं यूपी में मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, जो कि आपके केवल केवल 24 आवर के लिए ही ओपन रहेंगे। आपको जल्दी ही, अगर आप मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कल ही रजिस्ट्रेशन उसका कराना होगा। उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आए थे, कुछ आपके रूल रेगुलेशन आए थे, उसी प्रकार से इस राउंड के लिए, मॉपअप राउंड के लिए भी कुछ सूचना आई है, तो वो मैं आज आपके साथ इसमें वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ वो याद रखनी है मॉपअप राउंड को कराते समय। ठीक है, साथ ही आपसे एक और मैं चीज़ अनक्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए बताना चाहूँगा कि आप लोगों का भी एडमिशन हो सकता है इन्हीं 5 दिनों के अंदर। इन्हीं 5 दिनों का मतलब ये है कि आज से लेके 31 तारीख तक हो सकता है आपके लिए भी कोई न्यूज़ आ जाए। ठीक है ना, तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, जैसे कि आपका केरला और बिहार के लिए आई, वैसे ही मैं आपको मैं बता दूंगा। शाम को एक वीडियो आएगी मेरी, जिसमें मैं अनक्वालिफाइड स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपका एडमिशन वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं वो रूल और रेगुलेशन जो आपके मॉपअप राउंड के लिए आए हैं। यहाँ पर आपके वही लिस्ट है जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड थर्ड राउंड के लिए आई थी। रूल इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूर इनको एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वरना मैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। रूल वही सभी हैं जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के लिए थे, कि आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन के थ्रू होगी। हाँ, सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है, जो कि आपकी केवल और केवल आप DD के रूप में जमा होगी। ये आपके लिए इस बार मॉपअप राउंड में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपके पास, अगर 25,000 की दैनिक लिमिट से अगर ज़्यादा करने की क्षमता वाला कोई कार्ड है या डेबिट कार्ड है, जो भी है आपके पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ भी सुविधा आपको नहीं दी जा रही है, आपको केवल और केवल DD के रूप में ही आपको जाना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कल के रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और परसों जो आपकी जो काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी, मतलब मॉपअप राउंड की, तब आप जाते हैं, तो उसके लिए आपको आज से ही अप्लाई करना पड़ेगा DD के लिए। अगर आप सीरियस हैं मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने के लिए, तो DD के लिए अप्लाई कर दीजिए, वरना आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपको बिना DD के एडमिशन अब नहीं दिया जाएगा। ये आपकी सूचना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दूसरा पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने वहाँ आवंटित होने के बाद कॉलेज एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी तो आपको पता ही है कितनी कितनी जमा करनी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके लिए 50,000 का DD बनवाना होगा सिक्योरिटी मनी के रूप में। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि बहुत ही कम मामूली सीटें बची होंगी अब, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 10,000 रुपये का DD आपको बनवाना पड़ेगा। जैसा भी आपको करना हो, उसी हिसाब से अभी आज का समय आपके पास, कल से तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने ही हैं, तो DD आप ज़रूर बनवा लें। और ऐसा ना करें कि DD ना बने तो रजिस्ट्रेशन भी कल ना कराएं, आज अप्लाई कर लें, 1-2 दिन में आपका बन जाएगा, तुरंत ही बन जाता है वैसे। लेकिन कुछ बैंक के हैं जो 50,000 का DD बनाने में थोड़ा सा दिक्कत करती हैं, इस वजह से आप आज अप्लाई करें, कल रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर आगे जो प्रक्रिया हो उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बाकी आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके नॉन क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी जल्दी कोई सूचना UP में भी आ जाएगी, ऑल इंडिया में भी जल्द से जल्द एडमिशन उनके लिए भी होंगे, लेकिन उनकी भी क्या प्रक्रिया होगी एडमिशन की, वो मैं सारी चीज़ें आपसे शाम को शेयर करूँगा जो मेरी वीडियो आएगी उसमें, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर एक बार ज़रूर कर दिएगा, ताकि जो मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, उनका कुछ भला हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।